तो दोस्तों कुछ बच्चे मिल गए हमें, हमारे गांव के हैं। तो वो बच्चे एक ऐसी जगह बैठ रखे हैं जहां भी सोचेंगे क्यों बैठे हैं। तो दोस्तों मैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चे अभी आपको दिख रहे होंगे शायद, तो इन बच्चों समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे यहां क्या कर रहे हैं और यहां किस मकसद से बैठे हैं। बच्चों आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अच्छा ये झूला है। देखिए दोस्तों देसी झूला, ये देसी झूला है, एक पेड़ टूटा हुआ है, बच्चे उस पर झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? अभी झूलने की कोशिश करके एक बटन में भी जगह दीजिए। तो आप देख सकते हैं हम भी देसी झूले का मजा ले रहे हैं, आपको शायद दिख रहा होगा। आप पहचान रहे कौन है? विद हेलमेट, अंदर यदि हेलमेट, बहुत आनंद आ रहा है। बच्चों को दिखाइए, हमारे सहयोगी जो है कैमरामैन, आप बच्चों को दिखाइए, प्लीज बच्चों को दिखाइए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुंदन रघुवंशी। दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग है, आज कल मेरा दोस्त आया था हमारे यहाँ, जो कि गोरखपुर से मुझसे मिलने आया। बहुत दिन हो गए थे मिले, जब भी मैं आता था उत्तराखंड से तो मिल नहीं पाता था क्योंकि डायरेक्ट मैं निकल जाता था, तो मुझे बहुत डांट रहा था, मुझे बहुत डांट सुनी पड़ी। और आया तो मैं इस मार्ग लेने गया था, फाइनली आया। और अब हम जा रहे हैं इसके घर, जाएंगे थोड़ा सा रहेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि व्यस्तता है और 24 को निकलना भी है, तो इसलिए जाएंगे, कुछ देर रहेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके घर। दोस्तों जब हम जा रहे हैं अपने दोस्त के वहाँ, तो मेरी दादी मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखिए क्या कहती है, पूछते हैं मैं क्या कह रही है। दादी बोलो, ये मेरी दादी, चल जा। तो दोस्तों ये मेरी दादी, हाँ क्या कह रही है दादी, क्या करना है? ताला मारना। ताला मारने के लिए कह रही है। दोस्तों डाका पड़ जाएगा हमारे घर, तो ताला मारने के लिए कह रही है। ये मेरी दादी, हाय कर दादी, हाय हाय, हाथ हाथ चाहिए हुआ था वहाँ, हाय। तो दोस्तों पानी में चलते हैं, चलते हैं दोस्तों इस रास्ते। तो दोस्तों हम गोरखपुर रोड की तरफ से नहीं जा रहे हैं, हम धने वाले रोड से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये है धने वाला रोड, अभी हम महाराजगंज में हैं और हमारे अपने दोस्त के वहाँ जा रहे हैं। हमारे दोस्त का गांव जो है वो है नंदना शिवपुर, जो कि शिकारपुर के पास है। शिकारपुर एक चौराहा है बड़ा सा। दोस्तों अब हम आ गए हैं धनेवा, जिला खेल कल्याण, ये स्टेडियम है धनेवा का, ये धनेवा का स्टेडियम है जो कि महाराजगंज जिले में पड़ता है। अब देख सकते हैं बहुत भयंकर है दोस्तों, मैं तो हिल जा रहा हूँ। दोस्तों अब हमें यहाँ से टर्न करना है, देख सकते हैं ये कौन सा रोड है, ये मुरेड़ा कला रोड है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ये कौन सा रोड है, बट हम जा रहे हैं, हमें जाना है नंदना शिवपुर, जो कि आदर्श का गांव है मेरे दोस्त का। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता जाएगा मोहनापुर। इनसे भी मुलाकात होनी थी हमारी, तो इनसे भी मुलाकात हो गई। दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने दोस्त के गांव, अपने दोस्त के गांव आ गए हैं, कुछ दूरी पे है। बस गांव में दिख रहा है सामने, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने गांव दिख रहा है, वही है नंदना का शिवपुर, नंदना का टोला है शिवपुर जहाँ मेरे दोस्त का घर है आदर्श आकाश का।
देख सकते हैं खेती। ये सरकारी स्कूल है प्राइमरी। दोस्तों ये नंदना सिंह का प्राइमरी स्कूल है, आप देख सकते हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं अपने दोस्त के गांव, पहुंच गए। दोस्तों यहां से हम कट करेंगे। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने दोस्त के घर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने दोस्त के घर। ये है आदर्श कुमार, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने घर को निकलने वाले हैं, अब किस रास्ते जाएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ कसमरिया गांव में। गांव का नाम कसमरिया है। इसी कसमरिया से मैंने हाई स्कूल एंटर किया था। मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा मेरा स्कूल कहाँ है। दोस्तों यही रास्ता है जिस रास्ते से लोग कोचिंग आते थे। अभी पीछे छूट गया वो रास्ता, वो जगह पीछे छूट गई जहाँ पर कोचिंग करते थे। लेकिन स्कूल अभी मेरा आगे है, तो वो इंटरमीडिएट कॉलेज दिखाऊंगा सरकार वल्लभ भाई पटेल बने जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुँच गए अपने स्कूल। आज स्कूल बंद है क्योंकि असेंबली है। यहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या कॉलेज। ये हमारा स्कूल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हम स्कूल के अंदर आए हैं। यही हमारा कॉलेज जहाँ हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा ली थी। अब देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड था जहाँ हम लोग प्रेयर के वक्त खड़े होते थे लाइन लग के। और सभी लोग, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस कॉलेज से। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना क्लासरूम भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये 2 मंजिला है और यहाँ तक है। दोस्तों आपको मैं ऑफिस रूम दिखाऊंगा। अभी आज संडे का दिन है तो कोई है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं और लोग यहाँ हैं। ये था हमारा प्रधानाचार्य कक्ष, प्रबंधक कक्ष जहाँ हमारे सर बैठते थे, आप देख सकते हैं। दोस्तों यही था हमारा प्रधानाचार्य कक्ष। अब यह संडे है इसलिए कोई है नहीं कॉलेज में, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये ग्राउंड था हमारा जहाँ हम प्लेयर के लिए खड़े होते थे और वॉलीबॉल भी खेलते थे यहीं। अभी भी ये नेट है, नेट तो हमेशा रहा, आप देख सकते हैं। ये पूरा उस टाइम तो कोई और ही बात ही थी दोस्तों, हम जब यहाँ पढ़ते थे। दोस्तों ये हमारा कैंटीन था जहाँ हम लोग समोसे वगैरह खाते थे। कॉलेज के अंदर ही एक कैंटीन थी छोटी सी, तो हम लोग लंच में यही समोसे वगैरह खाते थे, आप देख सकते हैं। यहाँ काम चल रहा है तो सफाई वगैरह तो नहीं दिख रही है, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही अच्छी थी। अभी है, अभी भी है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो दोस्तों सफाई वगैरह नहीं हो पा रही होगी। ये अभी नया बना है, मुझे लग रहा है ये नया बना है, इसलिए दोस्तों अभी ढंग का दिख नहीं रहा। अभी नया ही बना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इधर का ये पूरा एरिया था दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये ऊपर जाने के लिए है, यहाँ से सीढ़ी है। ये पूरा बना हुआ था दोस्तों जब मैं था तभी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रूम नंबर 8, रूम नंबर 7, आप देख सकते हैं दोस्तों रूम नंबर 6। दोस्तों ये रूम नंबर 6 जो है वो इंटरमीडिएट में हमारे टाइम पे लड़कियों का क्लासरूम था, बायोलॉजी और मैथ की लड़कियां बैठती थी यहाँ, आप देख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रूम नंबर 5 और ये 4 और ये रूम नंबर 3 जो कि हमारा क्लासरूम था जिसमें लोग बैठते थे। अभी ये 10th A का है और हम 12th B में थे, तो उस टाइम ये 12th B का था, आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और मैं जहाँ बैठता था दोस्तों
ये वही जगह है, दिखा दूंगा आपको। मैं जहाँ बैठता था यहाँ मैं बैठता था, यहाँ बीच में सबसे लास्ट वाले में बैठता था, इधर की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड था हमारा, ये पूरा क्लासरूम आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्वेल्थ, मैंने इसमें बैठ के ट्वेल्थ की पढ़ाई की, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, सारे दोस्त जो मेरे थे वो सब अपने अपने जगह व्यस्त हैं अपने कामों को लेके, बहुत याद आती हैं दोस्तों वो सारे पल जो बीत चुके हैं। अब तो यह है कि कभी नहीं आता दोस्तों, वो ऐसा पल होता है, एक जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है कॉलेज लाइफ, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरह से जिया। बहुत सारे दोस्त हमारे अभी भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, बहुत सारे नहीं हैं जो इधर उधर चले गए, खोजता रहता हूँ दोस्तों, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, तो दोस्तों ये मैंने दिखाया आपको अपना कॉलेज जहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा ली थी। हमारे इसमें एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक और एक बहुत ही प्यारे अध्यापक थे जिनका नाम बिपिन चौधरी था। बिपिन सर बहुत ही प्यार से सबके साथ पेश आते थे, बहुत ही प्यार से समझाते थे, और बहुत ही मतलब उनके नाक मुझे बहुत अच्छे लगते थे दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टॉपर्स के यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के टॉपर्स के ये बोर्ड हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। तो इन टॉपर्स में मेरी बहन का भी नाम है सोनम यादव, आप देख सकते हैं, ये है मेरी बहन जिसका चौथा स्थान था पूरे स्कूल में। देखिए सोनम यादव 82.8% मेरी बहन का था ट्वेल्थ में, तो ये मेरे लिए गर्व की बात थी। और मेरी बहन बहुत अच्छी है पढ़ने में, पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन उसका इस साल सेकेंड ईयर है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। आप 10 के टॉपर्स देख सकते हैं दोस्तों, सबसे हाईएस्ट रैंक था 89.6% सपना मौर्य का। दोस्तों आप देख सकते हैं ये था हमारा ऑफिस, स्कूल का ऑफिस, जहाँ प्रधानाचार्य सर, प्रबंधक सर और सभी सहायक अध्यापकगण यहीं बैठते थे। ये सबका ऑफिस है, बड़े बाबू का ऑफिस ये था जहाँ हमारा सारा काम होता था, और कभी कभी तो बहुत डांट भी पड़ती थी, कोई गलती करता था दोस्तों में तो सबको डांट पड़ती थी, तो अच्छा लगता था दोस्तों। उस टाइम तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा कॉलेज, दोस्तों आपने देखा हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज जहाँ से मैं इंटरमीडिएट की शिक्षा ली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या इंटर कॉलेज कसमरिया महाराजगंज, जो कि महाराजगंज के कसमरिया गांव में है। तो दोस्तों चलते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाएंगे। दोस्तों फिलहाल हम चाट खाएंगे, और दोस्तों चाट खाने के बाद मैं दिखाऊंगा मेरे गांव के बगल में एक गाँव है नदुआ, जहाँ बहुत बड़ा मार्केट लगता है, संडे का साप्ताहिक मार्केट लगता है, तो वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। दोस्तों आप देख सकते हैं आज है संडे, और मेरे गांव के बगल में जो गांव है नदुआ, वहाँ संडे को मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, जस्ट बगल में ही है, तो मैं मार्केट आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा गांव है, और जस्ट बगल में ही मेरे जस्ट गांव के बगल में एक गांव है नदुआ, जहाँ बहुत बड़ा मार्केट लगता है, साप्ताहिक मार्केट है, संडे के दिन लगता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा मार्केट कितना बड़ा है, और मार्केट के जस्ट बगल में ही मेरा एक छोटा सा लिप्टिस का प्लाट है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं ये नदमा का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, साप्ताहिक मार्केट लगता है दोस्तों, संडे के दिन लगता है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट लगता है दोस्तों, साप्ताहिक मार्केट है, संडे के दिन लगता है ये, और मेरे गांव के जस्ट बगल में है गांव, जिस गांव का नाम नदुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ भीड़ है, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये दोस्तों जो लिप्टिस का प्लाट है ये मेरा है, एक छोटा सा प्लाट लगाया था हमने, जस्ट मार्केट के बगल में हमारी जमीन है, बगल के अंदर से लाल खून
लगभग और किसके बदन का रक्त और खून ऐसे लाल, 10 डिसमिल का प्लाट है ये, आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लाट मेरा है भाई, उसको जल्दी करके कोई बीमारी, मार्केट यहीं से स्टार्ट होता है, नधुमा का मार्केट है दोस्तों, संडे के दिन लगता है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये है नधुमा का मार्केट, हर संडे को लगता है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो शायद मैंने आपको मार्केट दिखाया दोस्तों, अब चलते हैं घर, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा गांव है, तो मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, देखो ऐसे बिगड़ जाता है, अब देखिए बीमारी बनेगी हजूर, ये खून चलकर आपके कमर जोर, बहुत बड़ा मार्केट है, ये रीढ़ पर रुकेगा, बाबू हड्डी में और जोड़ों में दर्द, पेट में कहीं रुक गया, पेट में बनेगा, देखो ऐसा, देखिए दोस्तों ये साइकिल स्टैंड है दोस्तों, ये भी जमीन हमारी है, देख सकते हैं यहाँ का साइकिल का स्टैंड बन रखा है, अभी शायद मैंने आपको मार्केट दिखा दिया दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने घर, और ये हमारा गांव दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा गांव है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने गांव पहुंच गए, ये मेरे गांव के बाहर मेरे घर के दस बगल में ही ये टावर है, एयरटेल का टावर है ये, आप देख सकते हैं, और दोस्तों अभी मुझे बच्चे मिल गए, हम इधर से सीधे आए हैं, तो दोस्तों हम झूला झूल के अपने घर जा रहे हैं, दोस्तों बस जस्ट बगल में मेरा घर है, वो जो लेडी आ रही हैं उसके जस्ट एक उसके बगल से एक राइट के लिए एक रास्ता घुमा है, तो वहीं से हम सीधे जाएंगे अपने घर पहुंचेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं, तो दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने घर, आप देख सकते हैं ये है हमारा घर, आपको शायद दिख रहा होगा, दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने घर, तो दोस्तों अपने ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल भाई सब्सक्राइब, कुंदन एजेंसी, थैंक यू सो मच।